हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका प्राइवेट सेक्टर में दी जाए। और आने वाले टाइम में जो ईवीएम द्वारा जो वोट की ताकत को हैंग किया जा रहा है, तो हमारा ये मुद्दा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव से पहले जो भी चुनाव हो उसको बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। जुल्ले लाल के बुल्ले शाह ने मिलकर हाहाकार मचाया, फिर जोगी बुलडोजर लेके घर में आग लगाया। एक बार जो लग जाती है देश विचन बीमारी, फिर मरते दम छूटती नहीं। तिकड़म की तैयारी जोगीरा सारा रार, आगे होली है, इसलिए बुरा न मानो होली है। हाँ नमस्कार साथियों, 10 और 11 मार्च को रामलीला मैदान में न्याय अधिकार महासम्मेलन होने जा रहा है और उसकी प्रेस वार्ता में आप सब आए, आप सबका स्वागत है। सबको नमस्कार, जय भीम, जय मंडल। साथियों, ये जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारे समाज और हमारे देश की जो बड़ी बुराई है वो जाति है और जाति आधारित व्यवस्था है, और इसमें सब लोग जो है अपने अपने तरीके से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। यहाँ प्रयास ये हो रहा है कि सब लोग एक बैनर, एक मंच पर आएँ और समस्याओं को इकट्ठा करके और उन पर एक साथ मिल करके लड़ाई लड़ी जाए। जैसा कि सबको पता है, मुद्दे एक हैं, लड़ाई का उद्देश्य एक है, बस बटे हुए लोग हैं। इसलिए कोशिश ये है कि इस महा न्याय अधिकार सम्मेलन में सबको जुटाया जाए और सारी समस्याओं की जो जड़ है जातीय जनगणना, उसके लिए पूरा जोर लगाया जाए। साथ में जो अन्य मुद्दे हैं, जैसे जन जंगल जमीन का है, निगमों का निजीकरण है, न्यायपालिका में जो रिप्रेजेंटेशन है, खासकर जो कॉलेजियम सिस्टम है वो ख़त्म होना चाहिए, सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उस पर बात होनी चाहिए, जो घुमंतू जनजातियों की समस्याएं हैं, अंग्रेज़ों ने एक व्यवस्था बनाई थी नोमैडिक ट्राइब के लिए और आज भी वो उससे संघर्ष कर रहे हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। मुट्ठी भर लोगों के पास पूंजी जमा हो रही है, मतलब पूंजी का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है और ये बहुत ख़तरनाक है। ठेके में जो नौकरी दी जा रही है वो प्राइवेटाइजेशन का एक नया तरीका है, और बैलेट पेपर से चुनाव हो और कुछ और इस तरह के जो बहुजन लोगों के, बहुसंख्यक समाज के जो मुद्दे हैं, खासकर एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण को लेकर के जो समस्याएँ हैं, इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं बात करने के लिए। एक कह सकते हैं कि पूर्व संध्या पर प्रोग्राम के पहले जो तैयारी का एक प्रयास है उसमें आप सबका स्वागत है। इससे जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। वीएन वाघ साहब हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं पैगाम के, श्री विजेंद्र यादव जी हैं WTP की तरफ से, आप यादव यदवंशी महासभा से जुड़े हुए हैं, और श्री राम विश्वास कुशवाहा जी हैं, आप भोपाल से आए हैं, ये OBC महासंघ से जुड़े हुए हैं, RB यादव जी हैं WTP से, महेश मानव जी एक OBC महासंघ चलाते हैं, और श्री हंसराज जांगड़ा जी हैं, आप जो है लड़ रहे हैं कमीशन में, रोहिणी कमीशन और बाकी सारे जो मुद्दे हैं, खासकर रिजर्वेशन के अंदर जो रिजर्वेशन है उसकी लड़ाई को आप आगे बढ़ा रहे हैं। बामसेब और पैगाम से जितेंद्र साहब सर यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोग जो है इससे जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। इस क्रम में आगे जो है विजेंद्र यादव जी हैं। साथियों, 10 और 11 मार्च को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में देश भर के तमाम सैकड़ों बहुसंघ समाज के संगठनों के द्वारा एक संयुक्त मोर्चा बनाकर, संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच के माध्यम से 10-11 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर, जो देश के अंदर एक वर्षों पुरानी हमारी मांग है, देश में जो जनगणना के साथ जातिगत जनगणना की जो अब इस समय ज्वलंत मुद्दा है और जो बहुसंख्यक समाज की सभी बीमारियों की दवाई है, कहीं ना कहीं प्रमुख मुद्दा जातिगत जनगणना और जो EBM द्वारा जो बाबा साहब ने हमारा वोट की संविधान के तहत वोट की ताकत दी थी, उस वोट की ताकत को EBM ने ख़त्म कर दिया। उस वोट की ताकत को बचाने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराकर इस देश के अंदर ईमानदारी से चुनाव कराया जाए। इसके साथ तमाम बहुसंघ समाज के मुद्दों पर वहाँ पर बहुसंघ समाज के लोग चर्चा करेंगे, उनके उत्थान के लिए, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है, अगर ये आने वाले संसद के सत्र के अंदर, जो मार्च में
हमारा शुरू होने जा रहा है। और जो मान्यवर काशीराम की जयंती पर जो 10-11 मार्च को हम लोग इस न्याय अधिकार महाकुंभ को करने जा रहे हैं, तो जातिगत जनगणना कराने की क्यों जरूरत पड़ी हमारे को? वो इसलिए ज़रूरत पड़ी कि 75 वर्ष के अंदर जो 10% के मनुवादी लोग हैं, जो न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका पर प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, जितने भी सेक्टर देश के अंदर हैं, जो मूल निवासियों ने देश को आज़ादी के बाद बनाया, शिक्षा उनको, उन पर हक अधिकार 10% के लोगों ने कब्जा जमा लिया है। तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना अगर ईमानदारी से हो जाती है तो देश के अंदर किस जाति की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कितनी डाउन है, कितनी अपर है, उसके हिसाब से सरकार योजनाएं बनाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना कराई जाए और जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर में दी जाए। और आने वाले टाइम में जो EVM द्वारा जो वोट की ताकत को हैंग किया जा रहा है, तो हमारा ये मुद्दा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव से पहले जो भी चुनाव हो उसको बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इसलिए तमाम बहुसंघ समाज के संगठन 10 और 11 मार्च को इस देश की राजधानी ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारी संख्या में नहीं, करोड़ों की लोग संख्या में पहुंच रहे हैं और वो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए अपने लोगों को जागरूक करेंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से देश की सरकार को यही कहना चाहता हूं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि बहुसंघ समाज के जो मुद्दे हैं इनको आने वाले संसद के सत्र के अंदर जातिगत जनगणना कराकर उसकी हिस्सेदारी देने का काम करो और बैलेट पेपर से चुनाव कराकर हमारी वोट की ताकत को बचाकर उसको ईमानदारी से चुनाव कराया जाए। और जो ठेकेदारी जो इस देश को बेचा जा रहा है, गेल, बेल, रेल, जेल सब बेच दिया गया, ये इसलिए बेचा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 75 वर्ष में बहुसंघ समाज के लोग शिक्षित हो रहे हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, IPS ML MP बन रहे हैं, उनको रोकने के लिए, हमारा आरक्षण खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन लाकर हमारा कॉलम खत्म किया जा रहा है। इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा जो आरक्षण मिला हुआ उसमें जो है हमारा पूरा लागू किया जाए, हमें उसका हक मिले। एक है कलोजियम सिस्टम, जो अभी इस टाइम आपने देख रहे होंगे, जनमत मुद्दा है। एक तरफ तो मंत्री जी कहते हैं कि ये गलत है, चीफ जस्टिस कहता है ये ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ दोनों मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। कलोजियम सिस्टम से 75 वर्ष में 350 परिवार, वही मनुवादी, एक ही जाति के लोग उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं, क्योंकि न्याय ये जो UPSC की परीक्षा की तरह का अगर जजों की भर्ती हो तो कहीं ना कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे भी उसमें जज बन सकते हैं। इसलिए कलोजियम सिस्टम को ख़त्म करना हो, इंटरव्यू व्यवस्था को ख़त्म कर UPSC की परीक्षा कराई जाए। और आने वाले टाइम में अगर बहुसंघ समाज के लोग इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो जातिगत जनगणना भी होगी और हम अपने अधिकार को ले पाएंगे। इसलिए दिल्ली के रामलीला मैदान में मैं तमाम बहुसंघ समाज के संगठनों से, बहुसंघ समाज के नेताओं से, बहुसंघ समाज के समाजसेवियों से आह्वान करता हूं कि वो 10 और 11 मार्च को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारी संख्या में पहुंचकर इस न्याय अधिकार महाकुंभ को कामयाब करें और बहुसंघ समाज के हक अधिकार दिलाएं, क्योंकि हमारी दबी कुचली आवाज़ को देश के और बड़े लोकतंत्र में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। 10-11 को हम सभी भारतवासी मूल निवासी OBC SC ST माइनॉरिटी के लोगों से हाथ जोड़ करके आह्वान करते हैं कि 10-11 को रामलीला मैदान में अपने हक अधिकार, AVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और जाति जनगणना करा करके अपने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और WTP और पैगाम के द्वारा ये कहा जा रहा है, क्योंकि भूखा पेट ही क्रांति लाता है, वो समय आ गया। हमारा हक अधिकार छीन करके आज भारतवर्ष को फिर खोखला बनाया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही हम सब का पैगाम है। हम सब भारतवासी हैं, संघर्ष करना हमारा काम है। मेरे भाइयों, ये 3% के लोग, एक विशेष कौम के लोग जो हमारे हक अधिकार को छीन रहे हैं, जो अपने आप को, खुद को ही राष्ट्र समझते हैं और खुद की विचारधारा को हिंदुत्व समझते हैं, खुद के द्वारा जब हमारे ऊपर दलित, शोषित, वंचित के ऊपर उपद्रव करते हैं तो कहते हैं सैन्य प्रक्रिया हो रही है। खुद अपने विचारधारा के द्वारा जब हमको गालियां देते हैं तो कहते हैं ये ब्रह्मा का वाक्य है। मेरे भाइयों, इनकी पहचान है ये बुरा सुन करते हैं और बुरा देखते हैं और बुरा ही सुनते हैं। इसलिए सभी जितने भी संगठन हैं भारतवर्ष में, छोटे मोटे सभी से आह्वान किया जा रहा है कि अब समय आ गया है, एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के एक मंच पे आओ, तभी जा करके हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं।
और ओबीसी एससी मूल निवासी वह सोता हुआ शेर है, जिस दिन जग जाएगा ये सब के सब ढेर हो जाएंगे। इसलिए समय आ गया है, 2024 अगर कहीं आपके हाथ से चला गया तो फिर नवीन रियासतीकरण हो जाएगा, फिर उसी तरह का जैसे राजा महाराजा की तानाशाही चलती थी। आज गद्दी पर देख लीजिए, गद्दी पर जो बैठे हैं बुजदिल हैं, फौलाद नहीं, आवाम किसान मजदूर दलित शोषित वंचित का दर्द हो क्या जाने, जिनके घर औलाद नहीं। आज एक तरह से देखा जाए कि हम लोगों की बात सुनने वाले यही कह के आए थे कि आप लोगों को 15 लाख खाते में और आपका हद के अधिकार दिया जाएगा, किसानों की आय दुगनी की जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं हर रास्ते से भटका दिए हैं। आज घाव पे घाव दे रहे हैं, जब तक एक जगह मरहम लगाया जा रहा है दूसरा घाव हो जा रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, ये कब तक चलेगा। आज पूरा भारतवर्ष देख रहा है, पूरा विश्व की निगाह भारत पे रहती थी। मैं एक पाकिस्तान का छोटा सा एक गाना आप लोगों के बीच में चल रहा है, जुल्ले लाल के बुल्ले लाल ने मिलकर हाहाकार मचाया, जुल्ले लाल के बुल्ले शाह ने मिलकर हाहाकार मचाया, फिर जोगी बुलडोजर लेके घर में आग लगाया। एक बार जो लग जाती है देश बेचन बीमारी, फिर मरते दम छूटती नहीं, तिकड़म की तैयारी जोगीरा सारा रार, आगे होली है, इसलिए बुरा न मानो होली है। और इनको पूरा विश्व देख रहा है इनके यहाँ क्या ड्रामा चल रहा है, और हमारे यहाँ के लोग अभी सोए हुए हैं। कब तक सोते रहोगे, जागो ये मूल निवासियों, जब भी चाहे अंग्रेज मुगल ब्रिटिश जो भी आए हैं, यही किसान मजदूर और आवाम मूल निवासी ही लड़ करके उनको भी भगाने का काम किए हैं। इसलिए अगर नहीं जागते हो तो राष्ट्र लुट जाएगा, राष्ट्र का किसान आवाम मजदूर लुट जाएगा, ये आसार नजर आता है। अब हुकूमत में बैठे हुए एक तरह से जुमलेबाज झूठे तड़ी पार नज़र आते हैं। यही मूल निवासी भारतवासी गरीब शोषित वंचित दलित देश को विश्व गुरु और कृषि प्रधान देश बनाए, आज गद्दी पे बैठे हुए लोग इन्हीं को गद्दार बता रहे हैं। इसलिए 10 और 11 तारीख को सभी लोग विशेष ध्यान दें, और जिसको जो सहयोग करना हो, क्योंकि हमारा गरीब मजदूर शोषित वंचित का यह समाज मिल करके लड़ाई लड़ रहा है, सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो सहयोग देना हो उनके लिए भी खाता नंबर दिया जाएगा, वो हमारा सहयोग करें। अब क्योंकि निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए सबका सहयोग चाहिए, और हमें सभी पार्टी के सभी दलों को सभी संगठनों का आह्वान किया जाता है, सब 10-11 को पहुँचो और सबको मंच दिया जाएगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करो। इन्हीं बातों के साथ भाइयों ये आवाज़ पूरे देश में फैला दो, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। इसलिए क्यों ऊपर पकड़ करके बंद कर दिया जाता है, उल्टे मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है इनका। इसलिए समय आ गया है, सभी जागरूक मंच के द्वारा सब लोग एकजुट हो, ईर्ष्या ईगो छोड़ दो। अगर भारत राष्ट्र हमारा ख़त्म होता तो पूरे भारतवासियों की बदनामी होगी। इसलिए संविधान बचाओ और गरीब बचाओ और पूरे आवाम को बचाओ, यही हमारा निवेदन है।